Come on, Joe. Let's go check out our house. Say ding dong. Ding dong. अस्लाम को मेरे घर में खुश आमदी। हमारे पास क्योंकि अंदर घर के अंदर घंटी नहीं होती तो मिसेज ने खुद से क्या आवाज़ निकाली? Ding dong. So wait, we left the dog outside. अच्छा सॉरी, हमने कुत्ता बाहर छोड़ दिया। जोजो जोजो कम कपोय कम इनसाइड। ये मिसेज जो है कैमरामैन बनी हुई है आज। अनफॉर्चुनेटली ये हमारा लिविंग एरिया बड़ा लाउंज कहला ले। वेल Also known as the museum. इसका मैंने जो निकनेम रखा है वो म्यूजियम रखा है। उसकी वजह ये है कि यहाँ कोई बैठता नहीं है, यहाँ से हम सिर्फ गुजरते हैं, तो ये सिर्फ म्यूजियम है बेसिकली। आप भी देख लें म्यूजियम। ये रेयरली यूज़ होता है जगह, जब पार्टी होती है या लोग आए हुए होते हैं तो तब ही यूज़ होता है, वरना ये यूज़ नहीं होता। ये जो बुक है, ये जब हम गए थे बाकू, जो ओनर थे किसी क्लब के वहाँ पे बाकू में, उन्होंने हमें ये बुक दी थी। मैंने उनको प्रॉमिस किया था मैं उनको प्रमोट कर लूँगा। अगर आपको जैज़ म्यूज़िक सुनना है तो वहाँ जाके देख लें। ये किताब मैंने अभी तक नहीं पढ़ी। ये म्यूज़ियम में झूला है जिस पे कोई बैठता नहीं है, क्योंकि अगेन ये म्यूज़ियम है। ये ज़िंदगी में पहली बार मैं इस झूले पे बैठ रहा हूँ। और ये झूला आल्सो उस तरफ फेस करता है। इट फेसेस द अदर वे। अच्छा, नॉर्मली ये झूला जो है इसका रुख ये होता है, ये झूला नाराज़ होता है। तो ये हमारा रोबोट वैक्यूम क्लीनर है, इसका नाम मैंने जार्विस रखा है। ये घर को साफ करता है ऑटोमेटिकली। इसको अगर अभी ऑन कर लूँ, नॉर्मली तो ये फ़ोन से ऑन हो जाता है। Did he just say put the vacuum away from the dog? No, he said move the vacuum cleaner away from the dog. Not dog. So anyways, ये इस तरह चलता है। अब मैं इसको वापस घर पे लेके जा रहा हूँ। ये खौफनाक सी पेंटिंग है। ये मुझे बहुत बुरी लगती है क्योंकि इसकी शक्ल मेरे मिसेज की तरह है और इसमें ये बहुत गुस्से से किसी को घूर रही है। तो उसको देख कौन के हो सकता है? तुम नहीं, गुस्से से मैं किसको घूर के देख सकती हूं? मुझे एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई आई लव दिस। इसलिए मुझे ये पेंटिंग पसंद नहीं है। एनीवेज, मैं फ्रांस में रहता था और ये जगह मैं जा चुका हूँ। यहाँ पे ये जहाँ बकरे दुम्बे बकरे हैं, हर पाकिस्तानी को तो दुम्बा एक ही वजह के लिए नज़र आता है कि इसको खा लें, लेकिन एनीवेज ये सब समंदर जो है ना, इसको डुबा लेता है हर दिन। तो हर दिन आपको जब विज़िट करना होता है, यहाँ गाड़ियाँ पार्क होती हैं और आपको उस वक्त ये गाड़ियाँ हटानी होती हैं इससे पहले कि समंदर आ जाए और ये कवर हो जाए। ये आई थिंक, आई डोंट नो अगर एंटीक डेस्क कहलाता है, बट इट्स रियली ब्यूटिफुल एंड इट्स एक्चुअली डेस्क जो यूं करके खुलता है, राइट? और अंदर से किसी ने डस्टिंग नहीं की हुई, तो इसको मैं जल्दी से बंद कर रहा हूँ। और ऑल्सो ये जो है एक्चुअली मेरे खाला का है, आई थिंक हमने खाला से लिया था। तो आई रियली होप कि मेरी खाला ये व्लॉग ना देख लें, वरना वो वापस ना मांग लें कहीं, भाई इसको बंद ही रख लो। तो ये कोई मेरी खाला को नहीं बताए कि ये मेरे घर में पड़ा है। अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ अपने टीवी लाउंज में। सो बेसिकली अगेन आपको एक यहाँ पे ये वुडन लॉग टेबल स्टाइल में आपको ये नज़र आएगा। ये मुझे बहुत पसंद है। ये मुझे गिफ्ट मिला था फ्रॉम दी नेस्ट IO जब उन्होंने कॉन्फ्रेंस किया था, एंड आई गॉट टू मीट मायरा खान देयर, शी इज़ रियली कूल। मोर मनी प्लांट्स। अच्छा, ये दिस इज़ एन ओरिजिनल पेंटिंग। ये जो है मेरे जो मिसेस हैं उनकी, उनका जो भाई है यानी मेरा साला, ये वो फाइन आर्टिस्ट है, तो ये उसकी पेंटिंग है। अगेन आई डोंट थिंक उसको पता ही है हमारे घर में टंगा हुआ है। तो अगेन मैं दुआ करता हूँ कि एक और रिश्तेदार मेरी ये व्लॉग ना देख ले। इससे तो वैसे एहसास हो रहा है कि बहुत सारी चीज़ें इस घर में किसी और की हैं। ओके, ये जो लेदर में ग्रीन सोफ़ा है, ये मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरी मिसेज को पता नहीं क्यों इससे नफरत है मोस्टली, क्योंकि इसको साफ़ करना है इसके यहाँ जीरे से, इट्स डिफ़िकल्ट, बट आई रियली लव इट। आप मुझे बताएं, डू यू लाइक दिस ग्रीन लेदर सोफ़ा और नॉट? वो इसको घर से निकालना चाह रही हैं, तो प्लीज़ आप लोग एक पिटिशन साइन करें कि प्लीज़ दानिश अली की बेगम इसको नहीं बाहर निकालें। सो क्योंकि ये टीवी रूम है, ये रहा मेरा टीवी, इट्स सैमसंग, इट्स 55 इंच। तो मुझे छोटा पड़ रहा है, तो मैं अब मैं 85 इंच टीवी लेना चाह रहा हूँ जब मैं बैंक रॉब कर लूँगा उसके बाद। ये हमारा पहला सोफ़ा था जो कि ये बेड भी बन जाता है, मैं आपको खोल के दिखाऊँगा अभी। ये गिफ्ट था फ्रॉम माई मदर इन लॉ, इट्स वेरी नाइस गिफ्ट, और इस पर बेसिकली
मियाँ बीवी हम दोनों हर शाम को बैठ के टीवी देखते हैं। तो ये सोफ़ा जो है वो स्टोरेज स्पेस बन जाता है, इन केस आपको इसमें कभी डेड बॉडी छुपानी हो तो वो आप कर सकते हैं। साथ में मैंने बताया था कि ये बेड भी बन जाता है, तो वो यूँ करके लाइक दैट। ये हम पहले इस्तेमाल करते थे लाइक दिस, और टीवी यूँ लेट के देखते थे बिल्कुल यूँ करके। तो फिर जब हम दोनों के कमर में दर्द होने शुरू हो गया, हमने ये सारा सिस्टम बंद कर लिया। अब हम जो है इसको एज ए सोफ़ा ही यूज़ करते हैं बिकॉज इट्स बेटर फॉर आवर बैक्स। आई एम स्टार्टिंग टू रियलाइज शायद मुझे एल शेप सोफ़ा इतना पसंद नहीं है, क्योंकि मेरे पास केबल टीवी है नहीं और मैं कंप्यूटर गेमर हूँ। मेरा कंप्यूटर जो है वो टीवी से कनेक्टेड है, तो इसके थ्रू हम नेटफ्लिक्स और प्राइम देखते हैं या यू नो शोज़ देखते हैं। आई डोंट रियली हैव टीवी पर से, तो मैं इसलिए कोई टीवी ड्रामे देखता नहीं हूँ। क्योंकि ये मुझे रॉक टेबल बहुत पसंद है, ये हमारे पिछले घर में तो सेंटर पीस था जहाँ ये टेबल था, बट अब जगह नहीं थी तो हमने इसको साइड पे सजा लिया। दिस इज़ प्योर रॉक, तो बहुत ज़्यादा भारी है, इसको उठाने के लिए 6-7 जवान चाहिए होते हैं। मुझे फिक्र रहती है कि कोई इस पर खाना नहीं गिरा ले, क्योंकि अगर आपको आइडिया है पत्थर से कुछ धब्बे निकलते नहीं हैं। किसी ने एक बार पता नहीं कुछ सालन या कुछ गिरा दिया था, तो जब साफ किया वो फिर भी निकला नहीं, तो आई एम जस्ट ऑलवेज पैरानॉइड। ये जो हमारा डाइनिंग टेबल है इससे मुझे तो नफरत है, मुझे अच्छा नहीं लगता। एक तो ये गोल क्यों है, मुझे जनरली गोल फर्नीचर पसंद नहीं है, लेकिन जो बेगम है उनको बहुत ज़्यादा प्यार है इस टेबल से। मैंने इसको बल्कि घर के बाहर फेंक दिया था एक साल के लिए, लेकिन वो फिर भी किसी तरीके से ये वापस यहाँ घर में पहुँच गया। काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा कि माई वाइफ इज़ ऑल्सो अ स्केच आर्टिस्ट, उन्होंने ये बनाया है। It's really beautiful. I really love it. It's one of my favorite paintings in the house. And I can't believe that my wife made this. Unfortunately, isko bhi Jojo ne khaya hua hai. Abhi wo bilkul miskino ki tarah so raha hai. Excuse me. Hello. Hi. Hello. So, jo aapne sara furniture toda hai, uske paise aap kab de rahe hain? Ye jo bed hai, ye maine khud banwaya tha in ye kale wood mein. तो ये मेरे वाइफ का कमरा है, ये उनका ऑफिस है, किला लें यहाँ पे वो बैठ के क्या करती हैं? काम करती हैं। तो ये एक एंटीक फर्नीचर है जो हमने कराची के एंटीक फर्नीचर मार्केट से लिया था, और ये था ओरिजिनली टीक वुड में, हमने लेकिन फिर भी इसको वाइट पेंट कर लिया। मुझे ठीक ठाक मालूम है कि अगर कोई टीक वुड को वाइट पेंट करता है तो उसको सीधा जेल जाना चाहिए, लेकिन सॉरी हमने कर लिया। तो मेरे पीछे हमारे जर्मन शेपर्ड का क्रेट है, ये मैंने अपने कारपेंटर से बनाया था जिसका नंबर मैं नहीं शेयर कर रहा। इसका यहाँ से दरवाज़ा है, ये अब हम तो इस्तेमाल नहीं करते, ये हमने तब बनाया था जब ये पपी था। अब तो ये इसमें बैठता नहीं है अनलेस के कोई ख़ास मेहमान आ जाएं जो डॉग से डरते हैं, तो फिर हम उसको इसमें थोड़ी देर के लिए बंद करके फिर उसको निकाल लेते हैं, बस ताकि मेहमान थोड़ा डरे नहीं। ये जो रैक है ये मैंने अपने कारपेंटर से बनाया था जिसका नंबर मैं अगेन नहीं दे रहा। मैं मिसेज को मजाक में मगाइवर कहता हूँ। मगाइवर एक टीवी शो था जिसमें वो बंदा जो है वो दो चीज़ें जोड़ के एक नया मशीन बना लेता था। तो असल में इस घर का हैंडीमैन एक्चुअली मेरी मिसेज है, शी इज़ बेटर देन मी। ये उन्होंने खुद बनाया था, बोतल गली से आपने ये दो बोतल ले लें। ये रैक जो है ये संडे बाज़ार से मुझे 100 रुपये का मिल गया, और ये एक लकड़ी का टाइल है जो ज़मीन पर जाता है ना टाइल, वो मिसेज को मिल गया। उनका आइडिया था कि ये पूरा यूँ सजा के ये It's a little side table. Okay, that was my house tour part 1. Part 2 में मैं आपको घर का दूसरे हिस्सा दिखाऊंगा, जो अभी मैं दिखा नहीं रहा क्योंकि वहाँ झाड़ू पोछा नहीं हुआ और वो बहुत गंदे। थैंक यू, बाय।